नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान की लीला अपरंपार है। वो चाहे तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे। सिर्फ दर्शन मात्र से जहां मन की हर मुराद पूरी हो जाती है, एक ऐसा मंदिर भारत में स्थित है। वैज्ञानिकों ने सुना कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ स्थापित मूर्ति, मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा, मंदिर में बनने वाला प्रसाद, यहाँ तक कि इस मंदिर में बहने वाली हवा भी इतनी रहस्यमय है जिसका पता हर सदी में वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से लगाने की कोशिश की, परंतु वे सभी नाकामयाब रहे। यहाँ तक कि इस मंदिर को कई आक्रमणकारियों ने लूटा और नष्ट किया, परंतु ये मंदिर फिर से खड़ा हो गया। इस मंदिर के हर कोने में ऐसे कई चमत्कार होते हैं जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के मन में भी एक बार फिर से इस मंदिर से पंगा लेने का ख्याल आया और वे पहुँच गए इस मंदिर के पास। परंतु जैसे ही उन्होंने इस मंदिर के अंदर घटने वाली चमत्कारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा तो सबके होश उड़ गए और वो सोचने लगे कि आखिर क्यों हमने इस मंदिर से पंगा लिया। उनके सामने ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसे देखकर वे अपने विज्ञान की पढ़ाई तक को भूल गए और ये सोचने लगे कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। इसके बाद में कुछ तो इस मंदिर के भक्त बन गए और कुछ इस मंदिर से भाग निकले। आखिर कहाँ है ये मंदिर और ऐसा क्या है इस मंदिर का रहस्य जिसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी मिलकर सुलझा नहीं पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उड़ीसा राज्य के पूरी भारत के पूर्वी तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और तीर्थ स्थल है जहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक मंदिर को देखने के लिए आते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संसार का मालिक, दूसरे शब्दों में जगत के स्वामी है। इसी कारण इस नगर को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर की स्थापना की। माना जाता है कि भगवान खुद उनके सपने में आए थे और उन्हें मंदिर निर्माण करने को कहा था। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण से लेकर मंदिर में स्थापित मूर्ति की इतनी रहस्यमय कहानियां हैं जिसे अगर मैं बोलती रहूं तो शायद सारी जिंदगी बोलती ही रहूंगी। इसीलिए आज हम आपको इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कुछ रहस्यमय और चमत्कारी घटनाओं को बताएंगे जिसे सुनकर आप तो क्या वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जब आप इस मंदिर के ऊपर लगे झंडे को देखेंगे तो आपको ये सामान्य लगेगा, लेकिन जब आप इसे ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये झंडा समुन्दर की तरफ से आती हुई हवाओं की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा ही विज्ञान को चुनौती देने के लिए काफी है और जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। ये झंडा जिस चक्र पर लगा है वो अष्ट धातु से बना है। इसे नील चक्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये पुरी के किसी भी स्थान से खड़े होकर इस चक्र को देखेंगे तो हमेशा आपको अपने सामने ही दिखेगा। ये वास्तव में आश्चर्य का विषय है जो इसे खास भी बनाता है। मंदिर पर लगा ये चक्र कई फीट ऊँचा है और एक टन से ज्यादा भारी है। इस चक्र के पीछे की इंजीनियरिंग भी एक रहस्य है। आप मंदिर के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर का चक्र आप ही की तरफ घुमा हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर के ऊपर ना कभी कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर से गुजर पाता है। सब आसपास मंडराते हैं लेकिन मंदिर के ऊपर कोई नहीं बैठता। भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया है। भगवान में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि राज्य सरकार ने नहीं बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ ने ही इस क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। धरती पर मौजूद किसी भी चीज की परछाई दिन में जरूर दिखाई देती है, परंतु इस मंदिर की परछाई दिन में किसी भी वक्त नहीं बनती है। यानी पूरे दिन में आपको मंदिर की परछाई नहीं दिखाई देगी। कई लोग इसे मंदिर के बेहतरीन डिजाइन का कारण बताते हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि ये भगवान की शक्ति है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में चार द्वार हैं। इन चारों में से मुख्य द्वार का नाम है सिंह द्वार। जब श्रद्धालु सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं तब तक उन्हें समुद्र की आवाज सुनाई देती है, मगर द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज गुम हो जाती है और जब तक कोई मंदिर के अंदर रहता है तब तक मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं आती है। इस कार्य को अगर हम पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो बजरंग बली ने इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ के लिए साउंड प्रूफ कर दिया था। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप समुद्र के पास मौजूद होंगे तो पाएंगे कि दिन के वक्त समुद्र से मैदान की ओर हवा चलती है, जबकि शाम के वक्त मैदान से समुद्र की ओर हवा चलती है। लेकिन पुरी में समुद्र के पास की हवा
हवाओं की चाल ही बदल जाती है। यहाँ पर इसका पूरा विपरीत होता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ पुरी के मंदिर के ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन एक पुजारी द्वारा बदला जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। खास बात दोस्तों ये है कि पुजारी जब इस मंदिर के ऊपर चढ़ता है तो सीधा नहीं बल्कि उल्टा होकर चढ़ता है। वो उल्टा होकर मंदिर के ऊपर चढ़ता है और बिना किसी रस्सी और सहारे के इस मंदिर के ऊपर लगे झंडे को चेंज किया जाता है। माना जाता है कि ये रिवाज बीते 800 सालों से चल रहा है। अगर एक भी दिन ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। ये रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में मानी जाती है। ये रसोई मंदिर की दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। इस रसोई में भगवान जगन्नाथ के लिए भोग तैयार किया जाता है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए लगभग 500 रसोइये और 300 सहकर्मी काम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में जो भी बनाया जाता है उसका निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। यहाँ बनाया जाने वाला भोग हिंदू धर्म पुस्तकों के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया जाता है। भोग पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। भोग में किसी भी रूप में प्याज व लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। भोग निर्माण के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। रसोई के पास दो कुएं हैं जिन्हें गंगा व यमुना कहा जाता है। केवल इनसे निकले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे कुछ हजार लोग हों या 2 लाख लोग, प्रसाद कभी भी नष्ट नहीं होता। मंदिर में भोग पकाने के लिए साफ मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और एक लकड़ी पर इसे पकाया जाता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था तो अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन दिल सामान्य इंसान की तरह धरा पर रहा। ये आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय को ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। 12 सालों बाद जब जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में रखा जाता है। हालांकि ऐसा करते समय बहुत सावधानी बरती जाती है। ब्रह्मा पदार्थ को नई मूर्ति में रखने के दिन पूरे पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। पूरे शहर में कहीं भी एक दिया भी नहीं जलाया जाता। इस दौरान मंदिर परिसर को CRPF घेर लेती है। यहाँ तक कि मूर्ति बदलते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। इस प्रक्रिया को आज तक किसी ने नहीं देखा। मान्यता है कि यदि कोई देख ले तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब एक साथ इतने सारे चमत्कारों को वैज्ञानिकों ने आंखों से देखा तो उन्हें समझ में ये नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ घटने वाली घटनाएं पूरे विज्ञान जगत की सोच और समझ से भी परे थी। विज्ञान, अध्यात्म और भगवान जगन्नाथ की कृपा से बनकर तैयार हुआ ये मंदिर कई यातनाओं को झेलने के बावजूद भी पूरी शानो शौकत के साथ समुन्दर के पास सीना ताने खड़ा है। दोस्तों, अपने जीवन काल में एक बार पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।